नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अंजना कश्यप मेरे साथ हैं और ये तमाम मेहमान क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बिहार चुनाव को लेकर हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी तक अलग अलग आंकड़े आपके सामने हमने रखे थे, जिसमें नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के वो वोटर्स जो जेडीयू वाली सीट पर वोटिंग करेंगे उनमें से कितने नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहते हैं, इस तरह के तमाम सवाल हमने आपके सामने रखे, जिसमें नीतीश कुमार अभी भी सबसे पॉपुलर चेहरा तो दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 4% पीछे 27% पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा आंकड़ा जो हम रखने वाले हैं, ओपिनियन पोल में हम पहुंचने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे अब कि कौन सी पार्टी किस गठबंधन में आगे बढ़ रही है, यानी कौन सा गठबंधन सबसे बड़े वोट परसेंटेज के साथ सबसे बड़ा गठबंधन बन के बिहार के चुनाव में लोक नीति सीएसडीएस के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बन रहा है, क्योंकि यही से सबसे पहले वोट परसेंटेज, फिर ट्रैकर पिछले 3 चुनावों का और उसके बाद सीट पर हम पहुंचने वाले हैं। तो शुरुआत हो रही है, सबसे पहले एनडीए के पास 38% वोट है। एनडीए यानी नीतीश, बीजेपी, तमाम पार्टियां जो एनडीए की साथी हैं, 32% वोट महागठबंधन के पास, 7% जिस फ्रंट की आप बात देख रहे हैं ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आपको उसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीडीएसएफ ये जो फ्रंट है उसमें उपेंद्र कुशवाहा, उसमें बीएसपी मायावती की पार्टी, उसमें एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये सभी मिलकर 7% वोट ले रहे हैं। 6% वोट एलजेपी के पास, 6% और अन्य के पास जाता हुआ 17%। और ये अन्य भी बिहार में बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे नाम हैं जिनका तो जिक्र ही नहीं आ पाता, जबकि एक लंबी फेहरिस्त है उन लोगों की जो इन चुनावों में लड़ रहे हैं। अब वो क्या किरदार अपना सकते हैं वो तो देखिएगा आगे, लेकिन अभी एनडीए के पास 38% वोट जाते दिख रहे हैं, जो कि पिछले चुनावों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम नजर जरूर आते हैं, लेकिन हाँ काफी नजर आते हैं अगर इन चुनावों के ओपिनियन पोल में हम एक पूर्वानुमान देख रहे हैं। और इसीलिए जब हम बाकी सालों से तुलना करते हैं 2020 की लोकसभा चुनावों से 2019 के, तो देखिए एनडीए को उस समय 43% वोट मिल गए थे, महागठबंधन अभी 32%, उस समय 29, यानी उनकी वोट बेहतर लोकसभा से विधानसभा में नजर आ रहा है। जीडीएसएफ की जो पार्टियां हैं वो 5% पर ही थी 2019 के हिसाब से, और इसी के साथ एलजेपी को भी देख लीजिए, एलजेपी इस बार एलजेपी अकेली पार्टी है जो अकेली जा रही है। अंजना बिल्कुल, और ये कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी है कि देखिए 6% का बचा है मार्जिन एनडीए और महागठबंधन में, लोकप्रियता में भी आप देख रहे हैं वो मार्जिन घट रहा है, और ऐसा ही इस वोट परसेंटेज में भी, लेकिन सीटों में कितना ट्रांसलेट होता है, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह से अजय आलोक जी देख रहे थे, मुझे पता है कि पिछली बार वोट परसेंटेज कम होते हुए भी सीटों का ये जो मामला है वो अलग से पलटता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अब से कुछ ही देर बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे कौन से गठबंधन को कितनी सीटें इस बार चुनाव में मिल रही हैं लोक नीति सीएसडीएस के ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो सबसे पहले हम आंकड़ा शुरू करेंगे एनडीए का, महागठबंधन का, एलजेपी का और अन्य का। बिहार में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, अब वो वक्त आपके सामने है, आंकड़ा आपके सामने आ रहा है, तो देखिए आंकड़ों को। 133 से लेकर 143 सीटें एनडीए को जाती हुई, यानी सरकार आराम से बन रही है। 88 से 98 महागठबंधन, ये दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार 80 सीटें आई थी आरजेडी की, और इधर देखिए एलजेपी, जब आप देखते हैं 2 से 6, अन्य को आंकड़ा 6 से 10 आता हुआ। कुल मिलाकर सरकार एक बार फिर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, जिसमें आप देख रहे हैं एनडीए की सरकार बनती हुई, एनडीए के 133 से 143 और नंबर 2 पर तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन, एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती है, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी हो सकती है। लेकिन ये जो हमारा ओपिनियन पोल है जो संकेत दे रहा है, यहाँ पर जिंदाबाद के नारे और तालियां सुनाई दे रही हैं, लेकिन अभी भी काफी समय है जब तक वो मतदान होगा और उसके बाद नतीजा आएगा, लेकिन अभी ये आप ही के मन की बात है जो 88 से 98 दे रहा है महागठबंधन को, और 133 से 143
एनडीए को। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको आज तक पर बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो ओपिनियन पोल लोकनीति सीएसडीएस का है उसके मुताबिक बन रही है नीतीश कुमार की सरकार 133 से लेकर 143 सीटों के साथ, वहीं पर महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिलती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर ये जो तस्वीर उभर कर इस वक्त आपको दिख रही है बिहार के चुनाव की, उसमें ओपिनियन पोल ये साफ इशारा करता हुआ कि एक बार फिर से यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन इसी के साथ ये भी याद रखिए कि महागठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है एक ऐसा चुनाव जिसमें पहली बार लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से पोस्टर से भी गायब है। मृत्युंजय जी का फेवरेट टॉपिक है, तुरंत माइक उठाएंगे, वो तो दिलों के पोस्टर में रहते हैं, इसलिए इनका जवाब इस पर मैं पूछूंगी नहीं। लेकिन हम जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और छोटा सा आंकड़ा अंजना हम पहले दिखा देते हैं, वो वोटर जिन्होंने कहा है कि अभी फैसला नहीं लिया है, ये भी बहुत बड़ा परसेंटेज है। इसमें से 10% ऐसे लोग हैं जो कहा है अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, और 14% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मतदान के दिन हम फैसला लेंगे, अभी हम नहीं बताएंगे। ये भी एक बहुत निर्णायक आंकड़ा है, और जितना फासला दोनों पार्टियों के बीच आपको दिख रहा है उसके बीच भी हमें ये रखकर देखना होगा। कोई निर्णय नहीं लिया ये कहने वाले कितने फीसदी लोग हैं? 10। और मतदान के दिन फैसला लेंगे ये कहने वाले हैं 14% लोग। तो आप अब समझ जाइए कि ये जो आखिरी दिनों में रैलियों के जरिए एक के बाद एक बयानबाजी आप देखते हैं, वो यही कोशिश होती है ये जो 10 और 14% है इनको जो अपनी तरफ खींच लेता है वो निर्णायक तरीके से पूरे पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने पोल के जरिए हर पक्ष का एक प्रतिनिधित्व ओपिनियन पोल के जरिए सामने आए, और वही सामने आया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी, अभी तो अब तो आपको ये पोल ठीक लग रहा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब आप इसमें विश्वास भी कर लेंगे। एक मिनट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके पोल को बिल्कुल सर आंखों से सलाम करता हूं, लेकिन मैं अब भी इसको नहीं मानता हूं, पहले भी नहीं मानता था। आने वाले दिनों में 10 नवंबर को मेरी बात लिख लीजिए, यही जगह होगा, मैं होऊंगा, आप होंगी अंजना जी, श्वेता जी, हम लोग होंगे, मेरे भाई मृत्युंजय जी भी होंगे। 200 का आंकड़ा ये क्रॉस करेगा, आप किसी को भगा नहीं रहे। ये 200 का आंकड़ा क्रॉस करेगा। क्यों? उसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपने हमें 38% वोट दिए, एलजेपी हमारे साथ नहीं है, तार्किक है। एलजेपी आएगी? एक मिनट, एलजेपी नहीं है इसलिए 38% है, बिल्कुल तार्किक है आपका। स्विंग वोटर आप बता रहे हैं 24%, मैं सिर्फ 5% लेके चलता हूँ, और धन्यवाद आपके ओपिनियन पोल का। आज जो लोग अनडिसाइडेड थे ना, आज वो देखने की सरकार बनने जा रही है, तो इस गंगा में उनका भी सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो सोचेंगे कि अरे देखिए आरजेडी कमजोर पड़ रही है, हम उधर चले जाएं? कोई जानबूझ के गड्ढे में थोड़ी ना गिरता है। मृत्युंजय जी, देखिए अंजना जी, हम आपके ओपिनियन पोल पर कोई नाराजगी भी नहीं जताएंगे, और खुशी तो पहले अच्छा लगा था। नहीं, अच्छा अभी भी अच्छा लग रहा है, अभी भी अच्छा लग रहा है। ये हमको पता है कि ये दिखाने के लिए आप दिल्ली से चलकर आई है। नहीं नहीं, हम राजतिलक पर शोज कर रहे हैं। एक मिनट, ये दिखाने से अब ये भी सवाल उठाएंगे अंजना जी, कांग्रेस उठाई चुकी है। तो हमें देखिए, जनता को खुल के नहीं कोस सकते, मीडिया को कोस लीजिए। बिहार की जनता आप दोनों बेटियों पर गर्व करती है, आप भी बिहार की मिट्टी की बेटी है, आपके जिह्वा पर सरस्वती बसती है। बिहार की जनता को बेवकूफ मत समझिए, देखिए इन नौजवानों की मायूसी को, देखिए इन गरीबों को, देखिए इन किसानों को, और ये आप दिखा दिए, इनको सत्ता तो यहाँ दिला दिए, लेकिन 10 तारीख को याद रखिएगा, 10 तारीख को याद रखिएगा। नलिन कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं तो हमारा अहंकार नहीं बोल रहा है, हमारा अहंकार नहीं बोल रहा है, लेकिन ये चलिए ठीक है। नलिन कोहली जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं, और राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब जेडीयू की तरफ से, कुछ लोगों के सवाल लेंगे। उठिए, आप पूछिए, मास्क लगा के बोलिए, कोई मास्क उतार के नहीं बोलेगा, आप लोग मास्क और माइक मत पकड़िए। जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, बीजेपी इसमें कुछ नहीं, बस जिन्ना हिंदू मुस्लिम ये कर रहा है, कभी ये बेरोजगारी देने की बात, रोजगार देने का बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मृत्युंजय जी, 10 लाख नौकरी पर मैं सबसे पहले हस्ताक्षर करूंगा, प्रण पत्र तेजस्वी यादव का, कहां से आएगी 10 लाख नौकरी? ये दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के बल पर आएगी, मत पड़े कोई चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में। और आप देख लीजिए जो आप दिखा रहे हैं ना, ये 10 नवंबर को आपने 2015 के चुनाव में भी यही फिगर आपने दिखाया था, बीजेपी का सत्ता आ रहा है, पलट गया बाजी। मुझे पता था सर, हमें पता नहीं आप है, आप तो 2 घंटे में पलट गए, सच्चाई है। अभी मैं इतनी अच्छी लग रही थी आपको, अरे जनता कह रही है, देखा है पहली बार
जनता की आंखों में प्यार, पहली अब बार जाके आया मेरे दिल को करार, बनेगी बिहार में तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार ने जो रोजगार दिया छात्रों को दारू बेचने का, जो बैग में लेके चल रहे दारू, ये अच्छा रोजगार दिया है क्या? जरा पूछे उनसे जाके कि कैसा रोजगार। राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, शराबबंदी इस राज्य का एक युगांतरकारी क्रांतिकारी निर्णय है। आज बिहार में महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले कम हुए। आपके पास जी बोलिए। जो शराब के सेवन से जो बीमारियां होती थी उनके आंकड़े नियंत्रित हुए, सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या कम हुई। और कोई मुख्यमंत्री आप बताइए जिसको ये बताया जाए कि 5,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, उन्होंने फैसला लिया इसलिए कि ये राज्य की आधी आबादी के अस्मिता, स्वाभिमान और प्रताड़ना के खिलाफ। राजीव जी पर सवाल ये लोग उठाते हैं कि जो शराबबंदी हुई लेकिन उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोग अभी भी शराब अपने घरों पर ऑर्डर कर लेते हैं। जहां भी इस तरह के रिपोर्ट मिले हैं उन रिपोर्टों पर कार्रवाई हुई है। और उत्तेजना मत पैदा कीजिए, अब परिणाम सामने आ गया और जनादेश इससे आगे जाए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, शांत रहिए, सवाल का जवाब सुनिए। बताएंगे सड़कों के लिए लोग जनादेश करेंगे, सवाल का जवाब, लोग बिजली के लिए जनादेश देंगे, लोग महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जब ये इस सरकार को जनादेश देंगे। और जिस तरह से हर खेत को पानी, घर घर में जिस तरह से हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया, अब किसानों को 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली, ये गेम चेंजर होने जा रहा है बिहार का। और तेजस्वी यादव क्या नौकरी देंगे? तमंचे बांटेंगे। फिरौती के सिवाय बिहार में कोई उद्योग नहीं था। उद्योग धंधे के नाम पर बिहार में केवल उद्योगपतियों का पलायन, डॉक्टरों का पलायन, इंजीनियर्स का पलायन, क्या बात करते हैं आप लोग? आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है? आज मन बना लिया और ओपिनियन पोल सामने में है। ओपिनियन पोल सामने, बोलिए बोलिए, आप ही के लोग हैं, आप ही के लोग हैं, हमारे नहीं है। अच्छा, सुन गए आपकी बात, बैठ जाइए। झूठ बोले जनता पकड़े भोली भाली, जनता ने तो पकड़ लिया आपको। हम लालू प्रसाद जी और राजनीति के बेटे के देखते क्या है तेजस्वी यादव का योगदान में आ जाए, तेजस्वी यादव जैसे नौजवान विधानसभा का टिकट, राजनीति भी कमाल की चीज है, लोगों को गायक बना देती है। नलिन कोहली साहब, नलिन कोहली साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। सरकार तो बनती दिख रही है, नीतीश की लोकप्रियता में थोड़ी कमी आ रही है, नौकरी लाइएगा, बोलिए अपने भाई को संजय जी, इसके बाद आऊंगी आपके पास, मुख्यमंत्री बनाइएगा, बैंक को राज्यसभा भेजिएगा, नलिन जी पकड़ लिया, ठीक है, उनको भी शामिल कर ले, बीजेपी का भी पक्ष आ जाए। नलिन जी बोलिए, को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइएगा, और क्या नलिन जी आपकी बात पड़ेगा जी, बोलिए। मेरा सवाल ये था कि सरकार तो बन रही है एनडीए की, साफ जा नहीं रही है ना, आपकी आवाज साफ आ रही है, उसको फिर से कनेक्ट कीजिए, पीसीआर के थ्रू आएंगे आपके पास। सरकार बन रही है ये मत कहिए अंजना जी, जल्दी से मिश्रा जी एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद से चलेंगे संजय जी के पास। बिहार का नौजवान 133 से 145 तो अभी है, बात को मान ले, पार करेगा 206 से ज्यादा। अगर आपकी ही बात को जो रुझान है वो परिणाम में जब बदलेंगे तो फिर से एक बार 2010 से हम आगे जाएंगे, ठीक है। जमानत नहीं बचेगी, एक सेकंड, किसकी जमानत नहीं बचेगी? एनडीए के उम्मीदवारों की, बोलिए परिणाम बताएंगे। आपकी बातों को मान लीजिए, देख लीजिएगा, अब वो दौर चला गया जब बिहार जी आपको बोलने दे रहे, मैं क्या करूं? अगर आपकी ही सर्वे की बात को मान ले, ए बैठो देखो, 24% आपने बताया है जिन्होंने डिसाइड नहीं किया, तो यह अपने आप में इंडिकेटर है कि जो चीफ मिनिस्टर 15 साल से चीफ मिनिस्टर है और लोग अगर 24% डिसाइड नहीं किया कि हम किसको वोट नहीं देंगे या देंगे, इसका मतलब उसकी नाराजगी सरकार से है, बेरोजगारी को लेकर, ठीक है, महंगाई को लेकर और क्राइम को लेकर। स्थिति बिहार की बहुत खराब है और स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं कि वो 24% चुनाव आते आते कहीं न कहीं हमारे महागठबंधन के साथ है। देखिए, आप लोग इमोशनल होके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को मत भूलिए, आपस में मत भिड़िए, मैडम मास्क पहनिए, मैं आ रही हूँ आपके पास, ठीक है, आपका सवाल मैं लेती हूँ।
लेकिन आप लोग मास्क पहन के रखिए। सोशल संजय जी के पास चलते हैं, जो संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में, आप लोग पीछे हटिए। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, लेकिन उससे पहले एक महिला यहाँ से की बात करते हैं। मास्क लगाइए पूरा मास्क लगाइए ठीक से। अब बोलिए कैसा लगा। हम कहते हैं कि 2005 के पहले की स्थिति ये लोग नहीं जानते हैं क्या? लालू जी उस समय रोजगार की बातें थी, रोजगार दिया था। आप सुन लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री 2005 से जब आए हैं बिहार को हर तरह से विकास के रास्ते पे ले गए हैं। लड़कियों का अपहरण, लूट, बेरोजगारी, इनके राज में पूरा सरमान बंदा रहता है। अरे रोड में सड़क नहीं था, सड़के पुल पुलिया कुछ भी नहीं था। 15 साल जंगल राज लेना चाहते हैं। सवाल ज्यादा हो नहीं पाते हैं, उत्सुकता व शोक ज्यादा जाते हैं। मास्क आप लोग लगा के रहिए। संजय जी, मेरा सवाल आपसे, आवाज आप तक पहुंच रही होगी। संजय जी, कुल मिलाकर ये महागठबंधन के लिए ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? मैं आपकी नजर से इसका एनालिसिस सुनना चाहूंगी। महागठबंधन के लिए ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? महागठबंधन तेजस्वी यादव के लिए। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये 24% लोग अनडिसाइडेड नहीं हैं। ये दो अलग अलग सवाल हैं। एक सवाल है कि क्या आपने वोट देने का मन पक्का बना लिया है। 90% लोग कहते हैं वोट देने का मन पक्का बना लिया, और 10% लोग ऐसे हैं बिहार में जिन्होंने कहा कि अभी हमने मन पक्का नहीं बनाया। और ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि हम अपना वोट किसको देंगे, उनमें से 14% ऐसे थे लोग जिन्होंने ये इस बात का इजहार ही नहीं किया कि वो किस पार्टी को वोट देंगे। तो कुल मिला के ये 25 नहीं है, 24 नहीं है, लेकिन आप 15-16% वोटर ऐसा मान सकते हैं जो अभी अनडिसाइडेड हैं। आप बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सर्वे की तारीख को ध्यान में रखिए। सर्वे 10 तारीख से 17 तारीख के बीच किया गया, और सर्वे आज की स्थिति आपको बताता है। आज की स्थिति क्या है, पार्टियां कहां खड़ी हैं, आने वाले समय में चुनाव प्रचार होगा और उससे चीज़ें बदल सकती हैं। अब सवाल है आज की स्थिति क्या दिखाई पड़ती है। बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रही है आज की स्थिति में। एनडीए को लीड है, महागठबंधन पीछे है, लेकिन अगर पिछले चुनाव की तुलना में देखें तो महागठबंधन ने अच्छा किया है और एनडीए नीचे जा रही है। अब ये ट्रेंड किस तरफ जाता है, कैंपेन किस तरफ जा होगा, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार एक साथ कैंपेन करेंगे, कितना एग्रेसिव कैंपेन होगा, क्या वो वोटरों को अपनी ओर झुका पाएंगे, ये जो 15-16% अनडिसाइडेड वोटर हैं, अगर वो अपनी तरफ झुका पाए तो ये फासला बड़ा हो जाएगा। और अगर तेजस्वी यादव ने प्रचार प्रसार किया और उन्होंने अपनी तरफ झुकाया तो ये फासला निर्णायक हो जाएगा। और यही संजय जी हम कह भी रहे थे कि ये जो आंकड़ा है ये शायद तस्वीर को बहुत बदल दे। और आप लोग जिसकी नारेबाजी कर रहे तो सुन लेते, आप ही के पक्ष की बात हो रही थी। खैर, रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंजना, केंद्रीय मंत्री है, यही पटना साहिब से सांसद है। इस रविशंकर जी जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये तो दिखा रहे हैं कि हाँ, एनडीए की सरकार यहाँ बन सकती है 133 से 143 सीट, लेकिन इसके साथ ही ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता को गिरता हुआ भी दिखा रहे हैं, ये आपकी वोट परसेंटेज को भी गिरता हुआ दिखा रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव आते आते कहीं तस्वीर और ना बदल जाए। देखिए, आपके सर्वे करने वाले ने स्वयं एक सावधानी प्रकट की है। क्या कहा उन्होंने कि ये 10 से 15 का सर्वे है और चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तो ये बदलेगी। हमारा पूरा विश्वास है कि ये एनडीए के पक्ष में बदलेगी। मैं लगभग 8-9 दिन से स्वयं बिहार का प्रचार कर रहा हूँ, उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम। कल मैं था अररिया वगैरह क्षेत्र में, था नेपाल के बॉर्डर पर, था आज मैं अपने फतुहा क्षेत्र के गाँव में घूम रहा था विधानसभा के, कल मैं बख्तियारपुर में जाऊँगा। और आपको बता दूँ कि मैं पिछड़े अति पिछड़े यादवों के भी गाँव में गया, और जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स है, लोगों की सोच है, उन्होंने देखिए काम देखा है कितना बिहार बदला है। मैं एक सवाल पूछता था कि बिजली है कि नहीं, तो बिजली है, सड़क है कि नहीं, तो सड़क है। अब बिहार के 45,000 गाँव में हम 1,000 करोड़ रुपये की योजना से 6 महीने में बिहार के सभी 45,000 गाँव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लेकर के जा रहे हैं। हर जगह मोबाइल फ़ोन पहुँचा है, स्मार्टफोन पहुँचे हैं। तो ये बिहार, मैंने एक जुमला कहा था, जुमला मत कहिए, एक मैंने उदाहरण दिया था, जो दिया था बरारी में, बरही कहाँ पर है, ये खजौली में है, नेपाल के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर।
और वहाँ पर पहले हम लोग का हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त नहीं थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैंने एक ही बात कहा, कितने लोग हो सोशल मीडिया पर, कितने लोग हो फेसबुक पर, कितने, लगभग 10,000 लोगों में से 7-8,000 ने हाथ उठाया। हमने कहा कि देखिए, एक तरफ जो लोग तेल पिलावन लाठी भजावन की बात करते थे, वही समाज आज किस तरफ जा रहा है। तो कृपया करके बिहार के बदलाव को समझिए। और ये अगर 15 साल के बाद भी आपके सर्वे में ये NDA को 133 से 143 दिखा रहा है, तो ये आगे आकर के 163 से 180 प्लस होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि एक बार देखिए, जो चीज़ें बदलती हैं वो फिर रुकती नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और आपके सर्वे का हम पूरा सम्मान करते हैं, रविशंकर जी, हम लोग भी जमीन पर रहते हैं जी। और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही प्रामाणिक निर्णायक विजय होगी। हाँ जी, आप बोलिए। ठीक है रविशंकर जी, अगला सवाल आपसे है। दो जो बड़ी बातें इस पूरे सर्वे में सामने आई हैं, उनमें से एक ये है कि तेजस्वी यादव लोकप्रियता में आगे बढ़ रहे हैं। लोकप्रियता में उनका आगे बढ़ना क्या संकेत देता है? नीतीश कुमार की लोकप्रियता में मामूली है लेकिन गिरावट है। दूसरी बड़ी बात, आप लोग कब तक लालू का वो गुंडा राज याद दिला दिला कर वोट मांगेंगे? तेजस्वी यादव क्या अपनी जमीन बनाने में कामयाब हो रहे हैं? वरना अगर सुशासन पर इतना भरोसा होता सर, तो नित्यानंद राय जो कि MOS होम है, वो डरा रहे कि RJD जीत गई तो कश्मीर बन जाएगा। ऐसे बयानों की क्या जरूरत पड़ती है रविशंकर जी? देखिए, हर पार्टी के नेता को अपनी जमीन बनाने का अधिकार है, और RJD के नए नेता वो जमीन बना रहे हैं तो बनाएं, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन सामान्यता मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता। मुझे आप एक चीज जवाब दे दीजिए, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हेलो, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आ रही आवाज, बोलिए। RJD के दफ्तर के होर्डिंग पर, हाँ तो मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, RJD के दफ्तर के होर्डिंग पर माता पिताजी की तस्वीर क्यों नहीं है, जिसके कारण वहां पर वो हैं? क्यों शर्म है उससे? यही बड़े सवाल है कि वो भी अपने विरासत से परेशान हैं, कई जगह दुखित हैं, कई जगह आशंकित हैं, क्योंकि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 2005 के पहले का बिहार आप लोगों ने देखा है, मैं ऐसा मानता हूं, हम लोगों ने भोगा है और बिहार के काफी लोगों ने भोगे हैं, तो उससे आप ये नहीं कह सकते। हाँ, हम विकास की बात कर रहे हैं। हमने बताया कि गंगा पर कितने पुल बने, हमने बताया कि आज आप 5-5.5 घंटे में भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा पहुंच सकते हैं। अगर 2005 से पहले के बिहार का जिक्र आप करते हैं तो उसके 15 उसके बाद वाले साल की भी जिक्र हम कर लेते हैं यहाँ पर। जब मुद्दों की बात हमने लोगों से पूछी तो लोगों ने कहा विकास पर वोट देना चाहते हैं, यानी विकास एक मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, यानी उन्हें कहीं कमी महसूस होती है। दूसरी बड़ी चीज जो थी वो थी रोजगार। युवा कह रहे हैं बेरोजगारी पर वोट देंगे हम, जो हमें रोजगार देगा उसे वोट देंगे। तो अगर सुशासन ही था तो ये मुद्दे लोगों के मन में आए कहां से रविशंकर जी? देखिए ऐसा है श्वेता जी, आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, ये तो मुद्दे उठेंगे। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एहसास होता है कि लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है, और लोकतंत्र में लोगों को अपनी अपेक्षाओं का प्रकटीकरण करने का अधिकार है। लेकिन बिहार के नौजवान ये भी समझते हैं और बिहार के लोग ये भी समझते हैं कि किसमें वो कुवत है कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 15 साल के हमारे काम का रिकॉर्ड रहा है, तो शायद बिहार के लोग ये पूरा विश्वास करेंगे कि हमारी ये अपेक्षाएं, चाहे रोजगार की हो या बाकी हो। आप मुझे ये बताइए, आज बिहार में BPO खुलते हैं या नहीं खुल रहे हैं? आज अगर लगभग 35,000 जो हमारे CSC हैं, लगभग 2.5 लाख बच्चे काम करते हैं जो पूरे ऑप्टिकल फाइबर लेकर के जा रहे हैं, बाकी डिजिटल सेवाएं देते हैं। आप मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार की ओर से 6 लाख का आंकड़ा दिया गया है पिछले 15 साल का, ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है? आप मुझे ये बताइए कि आज उसी पटना में चाणक्य लॉ सेंटर खुला है कि नहीं खुला है? चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुला है कि नहीं खुला है? चलिए ये सब फैशन, ये सब पर तो सर टिक मार्क जनता को लगाना है, बिहार में जनता को लगाना है। ठीक है, ये
ये सब पर टिक मार्क जनता को लगाना आपने सही कहा है। मेरा एक सवाल है सर, उसका जवाब दीजिए ना। ये बताइए कि बिहार के चुनाव में आप कूदिएगा कि नहीं कभी, बिहार की राजनीति में? जी जी, बिहार की राजनीति में कभी आप कूदेंगे कि नहीं? क्योंकि जितने बीजेपी के यहाँ बड़े नेता होते हैं उन सबको आप लोग सेंटर में फिट कर लेते हैं, और इसकी वजह से साल दर साल हर 5 साल नीतीश बाबू के ही चेहरे पर बीजेपी को बढ़ना पड़ेगा आगे। देखिए जनता भी सवाल पे ताली बजा रही है आपके लिए रविशंकर जी। अंजना जी, ये आपका सवाल जो है ये बहुत खुराफाती सवाल है। देखिए मैं आप गंभीरता से आपका जवाब देता हूं। पहले आपने ये कहां से मान लिया कि हम बिहार से कटे हुए हैं? हम बिहार के बेटे हैं, इसी पटना की मिट्टी में पैदा हुए हैं, आगे बढ़े हैं, मेहनत किया है। जेपी मूवमेंट, विद्यार्थी परिषद, 20 साल के सांसद, आज लोकसभा के सांसद, अटल जी की सरकार में मंत्री, आज फिर मंत्री। तो आप कैसे कह दिया कि हम बिहार से कटे हुए हैं? इसी मिट्टी ने मुझे वहां तक पहुंचाया है। नहीं, मैं यहाँ के लोगों का नमन करता हूँ। आरजेडी की तरफ से एक टिप्पणी आ रही है कि बीजेपी इसी बहाने आत्मनिर्भर हो जाए बिहार में। ऐसा है, वो अपने विरासत को खोज करके आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने काम और वस्तुओं से आगे बढ़े। लेकिन श्वेता, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं ये सुनने में। हमारे अलायंस का एक वजूद होता है। नीतीश कुमार, हमारा अलायंस आज का नहीं है। ये अलायंस पहली बार बना जब बिहार में चारा घोटाले की, भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही थी, याद है ना? रविशंकर का एक वकील का भी परिचय था। फिर 98 में वो अटल जी की सरकार में रेल मंत्री बनते हैं, फिर वहां से ये रिश्ता साथ बनता है। 2005 से थे, एक दो वर्ष अलग रहे, फिर वापिस आए। तो हमारी कोई आज की समझदारी या दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती है बिहार को आगे बढ़ाने और बिहार की कमजोरियों के खिलाफ संघर्ष करने और विकास की बात करने की दोस्ती है। हाँ, बीच में दोस्ती क्यों टूट गई थी? कौन सवाल? मेरे ख्याल में वहाँ पैनल पर लोग हैं, मेरा एक सवाल है इनसे, जो वहाँ पैनल पर लोग हैं उसका जवाब देंगे। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, एक एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, एक आखिरी सवाल करते हुए आपसे धन्यवाद लेंगे, एक छोटा सा जवाब इसका, क्योंकि आपने मेरे सवाल को ये कहकर टाल दिया सर कि इसमें खुराफात है। लेकिन इसमें खुराफात नहीं है, बीजेपी का बिहार में भविष्य है। आप लोग कभी अपने दम पर यहाँ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे या नीतीश बाबू के साथ ही आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। 14 हो या 19 हो, दोनों बार भाजपा को स्वयं का केंद्र में बहुमत मिला कि नहीं मिला, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जो हमारे साथ चले हैं वो भी हमारे सरकार के मेंबर होंगे या नहीं होंगे। तो आप इसको एक पॉजिटिव रूप में क्यों नहीं देखने की कोशिश करते हैं? ये मैं कहता हूं, बीजेपी आत्मनिर्भर है, हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, देश भर में, बिहार में, केंद्र में, और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम रिश्ते निभाना भी जानते हैं और रिश्तों को साथ साथ विकास के माध्यम से जोड़ना भी चाहते हैं। अगर हमारी ये सोच है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी। लेकिन कई बार रिश्ते जब मजबूरी के मोहताज हो जाते हैं तो मुश्किलें आती है रिश्तों में, महाराष्ट्र इसका एक उदाहरण है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, क्योंकि चुनावी माहौल है, खबर ये हमारे सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव जो कि प्रचार के लिए निकले हुए हैं, तेजस्वी यादव, हम तस्वीरों के साथ आपको दरअसल दिखा देते हैं क्योंकि वो तस्वीरें भी है, तेजस्वी यादव पर एक दिव्यांग युवक ने चप्पल फेंकी है, प्रचार के लिए निकले हुए थे तब। तेजस्वी यादव पर एक दिव्यांग युवक ने चप्पल फेंकी है, वीडियो अब सामने आ रहा है, जैसे ही और भी जानकारी डिटेल्स के साथ आती है हमारे रिपोर्टर जुड़ते हैं, हम आपको बताएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान ये चप्पल फेंकी गई है, इस तरह की जानकारी आ रही है, चुनावी रैली में ये चप्पल फेंकी गई है। पीछे आप मंच भी देख रहे हैं, तमाम अन्य नेताओं को भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इन तस्वीरों से बाहर आते हैं, वापस अपने ओपिनियन पोल का रुख करते हैं और आपको बताते हैं बिहार में जो जातीय समीकरण है वो किस तरह से फिट बैठता है, क्योंकि
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भी तरीके से आप इसे देखिए, कई बार ये आरोप लगता है कि बिहार में जाति के आधार पर समीकरण सोचकर जनता भी वोट देती है और पार्टियां भी वही फिर बुनाने में पार्टी में उम्मीदवार भी ऐसे ही व्यक्ति को उतारती हैं। तो एलजेपी की बात हो रही है, बिहार में वोट का जो जातीय समीकरण है उसमें उच्च जाति से 12% और एलजेपी एनडीए महागठबंधन, हम आपको एक एक करके तमाम पार्टियों के दिखा रहे हैं जिसमें दुसाद दलित मुस्लिम एलजेपी में 38%, 4%, 2% और यहाँ एनडीए में 29% है और 27% महागठबंधन में। अब बिहार का जो बेस्ट सीएम, जो सवाल हमने मुख्यमंत्री के लिहाज से पूछा था, वो हम आपको आंकड़ों के हिसाब से अब दिखाते हैं। नीतीश कुमार, लंबा राज उनका रहा है, उनकी तरफ से सुशासन कहा जाता है, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि क्या है, क्या कह रहे हैं आप लोग जंगल राज के बगल में राक्षस राज कहते हैं, लेकिन ये राज चला है और वोट मिल रहे हैं उनको। तो देखिए कि हम ये आंकड़े के हिसाब से नीतीश कुमार हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। ये 31% वोट के साथ नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, 31% के साथ राजीव जी खुश हो रहे हैं, नीतीश जी सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार 31% वोट्स के साथ। चलिए जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया ले लीजिए, ये 31% पर मृत्युंजय जी क्या कहना है, उसके बाद से तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव 27% वोट के साथ है और ये यही वो हिस्सा है जो बस राजीव जी मृत्युंजय जी को पसंद आया। उस समय तक हम लोग बड़े अच्छे लग रहे पसंद थे, आया। उसके बाद जब सीटें आई तो गुस्सा गए, लेकिन ये देखिए, ये देखिए चिराग पासवान 5% वोट के साथ चिराग पासवान, हमको पता है चिराग पासवान का आपने देख लिया, वो है सुशील मोदी का। और याद रखिए, जेल में है फिर भी लालू यादव का नाम कुछ लोगों ने लिया है, 4% लोग सुशील मोदी के साथ और कुछ लोग थे जो लालू यादव के लिए भी, उनका भी नाम लिया गया था। अब मुझे लगता है इस हिस्से में हम लोग थोड़ा जातीय समीकरण की बात कर सकते हैं। ये 4% आपने देखा सुशील मोदी का और लालू यादव का भी नाम अभी भी लोग ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है राजीव रंजन जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी इस राज्य के केवल नहीं देश के आज की तारीख में जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री। दिल की बात लबों पे तो नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री तो नहीं बोलने वाले थे? नहीं, पहली बात समझ लीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने अपनी आकांक्षा कभी भी जाहिर नहीं की। इतिहास न कुरेदें अच्छा रहेगा, पिछला गठबंधन याद आ जाएगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि आप ऐसे आर्काइव से किसी बाइट को दे दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, आपके पास नहीं होगा ऐसा बाइट। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी ने जिस बदहाल बिहार को सवारा है, सजाया है और सम्मानजनक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उस पर हर बिहारी को फक्र है। और ये 133 से 148 जो आपको दिख रहा है, ये 200 जाएगा, ये आरंभिक रुझान है और ये बराबर संकेत देते हैं कि सैफोलजी का ये सिद्धांत है, अगर कहीं कोई वातावरण स्पष्ट बहुमत की ओर है तो ये जो तटस्थ मतदाता है 10%, आप समझ लीजिए ये परिणाम बदल देंगे, ये 200 पार जाएंगे हम लोग। और चिल्लाने वाले और चीखने वाले लोगों का जो अराजक बिहार है उनसे पूछिए कि राज बल्लभ यादव इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, अरुण यादव इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, साहबुद्दीन इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आज भी परिवार के बाहर नहीं है, आज भी वंशवाद से बाहर नहीं है, संपत्ति और भ्रष्टाचार का जो मोह है बिहार की जनता को अगर अपना भविष्य दिखता है तो जिन्होंने बाहुबलियों का बाहुबलियों और उनके खानदान का प्रेजेंस तो एक आंकड़ा है मृत्युंजय जी, क्रिमिनल केसेस जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं 319 पोल कैंडिडेट्स हैं बिहार में जी। आपको भी बता दें 319 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं इस बार चुनाव में। तो यहाँ जो शोर कर रहे हैं वो वोट्स डालने समय भी याद रखिएगा। और लिस्ट के हेड सबसे ज्यादा किसके हैं? टॉपर हैं आप। ठीक 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 है, टॉपर है तो टॉपर तो यही सब करके ना हमको टॉपर बना करके बदनाम किया जाता है। अरे जेडीयू वालों को भी टिकट दिया जो उस मामले में टॉपर थे। अब एक साथ लग जाइए, थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, देखिए कल तक जो छोटे सरकार थे वो किनके साथ थे? पप्पू पांडे कौन है, मंजू वर्मा कौन है? छोटे मतलब जब तक आपके साथ है, जब तक तो जब तक वो हमारे साथ जगह है, पर सही अपराधी है,
और जैसे ही भाजपा जेडीयू में गए संत हरिश्चंद हो गए। अब बिहार की जनता कह रही है, मुझे बताइए पल्लव यादव बिहार की जनता कह रही है, ये दोनों का झांसा है, याद रखिएगा। झांसा नहीं है, उम्मीदवार है बिहार के चुनाव में जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। आपराधिक मामले दर्ज होने का मतलब समझते हैं आप? खूब समझते, ये कौन बना देगा, कौन कैसे बना देगा झांसे में? समझते हैं, फिर आपके भी है, इनके भी है, इनके भी है और बीजेपी के भी है। आप टॉपर है अंजना जी, आपराधिक मामले राजनीति में जो लोग इनसे पूछिए, 15 साल की बात ये बार बार ऊपर होते हैं, ये तो बताएं कि क्या कीमत। लेकिन आपने कौन सा उदाहरण दिया? मंजू वर्मा को आपने टिकट दिया, मंजू वर्मा को इस देश की किसी अदालत ने, लेकिन अवैध हथियार मिलने का मामला था ना, अवैध हथियार मिला था नहीं मिला था, कोई किसी पर आरोप लगा दे। और जब अनंत सिंह को आपने टिकट दिया था तब, हाँ ठीक है, अगर उस गलती को हमने सुधारा तू ये कहाँ पहुँचे? गारंटी पहुँचे दूर हो रही है जो इसमें बाधक है, ठीक है। भारत की महान न्यायपालिका मृत्युंजय जी के अंदर का गायक आ जाएगा, पारदर्शिता को लेकर जो फैसले किए हैं, अब बिहार की सबसे बिहार की जनता गीत गा रही है। इन्होंने तेजस्वी का नंबर देखा तब से गायक बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके उम्मीद चूड़ी मजा न देगा, कंगन मजा न देगा, सबको पता है। अब बिहार की जनता गा रही है गाना, नीतीश मजा न देगा, मोदी मजा न देगा, तेरे बगैर तेजस्वी बिहार नहीं बनेगा। इसलिए जो है मुकाबला साफ है, बिहार में रखेंगे सरकार जहां पर अपने ये फिल्मी गाने सुना सुना कर अपना मन लुभा लेंगे जनता को। अरे सर प्लीज, मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, गाना वाला रखिए, उमंग में है, तेजस्वी सरकार बनाना चाहती है जनता, तनाव में नहीं रहेगी, इनके झांसे में नहीं आएगी। एनडीए के लोग ये काम नहीं बता रहे। संजय जी क्या काम किया? विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है? नेताओं को, पार्टियों को ये सूट करता है, कोई गाना गाना चाहता है? नहीं, गाना तो उठता है ना लोकतंत्र का पर्व है। जो गाना आपने गाया मुझे उस पर सख्त आपत्ति है, मुझे वो गाना पसंद नहीं आया। ये मजा नहीं देगा, मजा देगा क्या होता है? जनता कर रही है, प्लीज मृत्युंजय जी, पसंद नहीं कर रही है जनता। लेकिन संजय जी असल मुद्दों पर चर्चा संसदीय और उस पर बिल्कुल इस गाने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसका सम्मान कीजिए। मुद्दों पर चर्चा के बजाय गाना गा दीजिए, पाकिस्तान को ले आइए, पटाखा ले आइए, जिन्ना ले आइए, कहीं पर कोई गाना बना दीजिए, रैप सॉन्ग बना दीजिए, इसी में उलझा कर रखिए वोटिंग तक। और यहाँ पर असल मुद्दा यह है कि 319 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस आज भी है, तमाम पार्टी उनको टिकट देती है। संजय जी बिल्कुल ये बहुत चिंता का विषय है, ये जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, और अगर आप चुप हो जाइए प्लीज, अगर आप इन आंकड़ों की तुलना पहले के आंकड़ों से करें तो देखेंगे कि क्रिमिनल टेंटेड बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर कोई भी ऐसी पार्टी होती जिनके उम्मीदवारों की छवि साफ होती तब तो हम कह सकते थे कि पार्टियों में अंतर है, लेकिन अगर इन 319 उम्मीदवारों की अगर आप पार्टी वाइज बाइफर्केशन देखेंगे तो सारी पार्टियों में ये विद्यमान हैं। और दुख की बात यह है कि ज़्यादातर इनमें से जीत करके विधानसभा में भी चले आएंगे। तो ये भारत की राजनीति में एक मुझे लगता है सबसे बड़ा गहराता हुआ संकट है, सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों की राजनीति में भी देखेंगे। और जब देश के चुनाव भी होता है, जब लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, उनमें भी आप देखें इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो मुझे तो लगता है कि जो वोटर्स हैं उनको इन चीज़ों को का ध्यान में रखना चाहिए कि मुद्दों पर वोट हो, उम्मीदवार की क्वालिटी पर वोट हो, और न कि जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, न कि पाकिस्तान जिन्ना और ये जो बातें बहुत हो जाती हैं, लेकिन वोट दबाते समय सब कुछ और देखते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी एक चीज समझाइए, पिछली बार के चुनावों के अनुभव के बाद बिहार की जनता बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि जो साथ लड़ के आया है जरूरी नहीं है उसकी सरकार रहे यहाँ पर। आप लोग ओपन रहेंगे? चिराग पासवान अकेले दिख रहे हैं, बाकी पप्पू यादव जैसी पार्टियां फ्लूरल्स हो गई, इन सारों के लिए आप लोग ओपन रहेंगे कि महागठबंधन का दायरा थोड़ा सा और बढ़ा लें? देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि मतगणना के बाद बिहार के राजनीति में समीकरण और बदलेंगे। और एक तो स्पष्ट दिखता है कि बीजेपी कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी से मुक्ति चाहती है, तभी तो एलजेपी के पीछे हाथ पर पीठ पर हाथ रखा हुआ है।
सारे एलजेपी के उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं, बीजेपी से निकाले हुए लोग एलजेपी के सिंबल पर क्यों लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा घालमेल है। मैंने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था, बीजेपी तीन तीन अलायंस बना के काम कर रही है इस चुनाव में। एक जो दिखता है जो उसका ऑफिशियल अलायंस जेडीयू के साथ है, दूसरा अलायंस उसका एलजेपी से साथ जो छुपा हुआ है, तीसरा ओबीसी से है। तो ये तमाम अलायंस ऐसे हैं, एक जगह ये अलायंस राज्य की जनता को भ्रमित कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के उस जो उसका जो गेम प्लान है नीतीश कुमार जी को लेकर उसको रिफ्लेक्ट करती है। मेरा स्पष्ट मानना है बिहार के एनडीए में बीजेपी स्पॉन्सर्ड भीतरघात हो रहा है और नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, ये स्पष्ट है। देखिए अब प्रेमचंद जी, पहले तो बिहार में आप जिस बैसाखी के साथ थे वो बैसाखी भी कमजोर हो रही है। आप किसके साथ हैं? नहीं, मैं वही आप बैसाखी पर तो चले, आप तो चौथे नंबर की बीजेपी के साथ कर लीजिए ना, नहीं थे तो आप दो एमपी पर आ गए थे। आपको भविष्य बैसाखी की बात निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ताकत है सब सीटों पर क्यों नहीं लड़ गए? मैंने सुना बीजेपी को ताकत है, आप बैसाखी की बात पूरी ऐसे ऐड कर लीजिए, बैसाखी पर आप पूरी बात कर चुके हैं, सुन के फिर बोल लीजिए। बिल्कुल नहीं, अगर आप बात कर चुके हैं तो मुझे सीट पर लड़ जाते, क्या बात करते हैं आपको मैं केवल सुनूंगा। आप 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं सब सीट पर चुनाव लड़ रहे? आप अगर उस लायक नहीं, जनता नहीं समझती है तो इसका मैं क्या कर सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, आप सब सीट पर आगे भी नहीं समझेगी बीजेपी क्यों नहीं देश में आपका सिकुड़ रहा है, मानचित्र आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको बताना चाहिए। और पहली बात सुन लीजिए, आप तार्किक बात कीजिए, वीआईपी हम आरएलएसपी किसके साथ थे? आपके अलायंस में, वेरी गुड, हाँ, तीनों दल छोड़ करके गए, ठीक है, और हमारे साथ आपके तीनों दल चल कर क्या है? ये वो लोग हैं जो जनता की भावनाओं को समझते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, उन्हें पता है कि जनता का मूड एक बार फिर नीतीश सरकार, और इसीलिए वीआईपी के पास डूबती नाव वीआईपी के पास एक एमएलए नहीं, कोई के पास खुद एमएलए अमित शाह के पास, कुशवाहा जी के पास कोई एमएलए नहीं, अमित शाह जी के पास, आपको ऐसे लोग मुबारक हो, प्रकाश जावड़ेकर के बात करने के बाद एलजेपी के पास छह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुशील कुमार मोदी आपको छोड़ के चला गया, तमाम लोगों की बात लोग नहीं मानेंगे और आपकी बात मानेंगे? एलजेपी ने छोड़ा, एलजेपी ने क्यों छोड़ा आपको? जल्दी से जल्दी, एनडीए में टूट हुई है, हमारे साथ है। हमारा राजीव जी से सवाल है, आखिर आपको बिहार की जनता क्यों वोट दे? इसलिए वोट देगी, अब आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लिया है, भ्रष्टाचार में साथ को टाले हुए, बाढ़ की बदहाली है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, इसके बाद भी आप कह रहे हैं हमें वोट दीजिए, आपको क्यों वोट दे? 6000 मेगावाट की सप्लाई हो रही है, फैक्ट्री हमने 700 मेगावाट की रोजगार नहीं दे सकते, आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज ये ओपिनियन पोल के जरिए आपने पूरी तस्वीर बिहार की समझी है, लेकिन हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे और कल ये कारवां राज तिलक का जो निकलेगा वो पहुंचेगा राघोपुर, तो कल रात 8 बजे राघोपुर से राज तिलक में पहले जुड़िएगा, उससे पहले शाम 7 बजे हम बिहारी बिहार चुनाव की हर खबर आपको मिलेगी। और ब्रेक के बाद देखिएगा खबरदार मेरे साथ सीधे पटना से, देखते रहिए आज तक।